सिटी वन के एक विशेष कार्यक्रम बोले तो गोरखपुर के अंतर्गत लोगों का मिजाज टटोला जा रहा है कि आखिर वो इस चुनाव में उम्मीदवारों से क्या चाहते हैं और क्या ऐसी कमियां रह गईं जिसको पूरा करने के लिए वो अपने रहनुमाओं को चुनेंगे। पेश है बोले तो गोरखपुर में हम लगातार हर जगह बात कर रहे हैं चुनावों की। 2019 का चुनाव चल रहा है और गोरखपुर में भी माहौल कहीं ना कहीं धीरे धीरे गर्म हो रहा है और यहाँ पे हम अभी उपस्थित हैं कचहरी में जहाँ एक प्रबुद्ध वर्ग बैठता है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे वो वोट देंगे। आपके मुद्दे वोट देश की राजनीति को देखते हुए देश की का सम्मान जिसमें बढ़े उसी को ध्यान में रखते हुए वोट दिया जाएगा। मतलब विकास के नाम पे नहीं, सिर्फ देश के सम्मान के नाम पे वोट नहीं, सारे मुद्दे उसमें समाहित हैं। कौन अच्छा कर सकता है और कौन बिजली सड़क पानी आदि की सुविधाएं ठीक ढंग से मुहैया करा सकता है, इन सारे मुद्दों पर विचार करके वर्तमान सरकार ने काम किया। वर्तमान सरकार ने तो काम किया है लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कुछ कमियां रह गई हैं। 5 साल मोदी सरकार रही है तो 5 साल में आपको क्या लगता है कि विकास हुआ? विकास हुआ है लेकिन अभी बहुत धीमी गति से हुआ है। क्या कमियां लग रही हैं अभी? मान रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारी उसमें कमियां बची हुई हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग में और भी लोग बैठे हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं किन मुद्दों पे वोट देंगे। विकास के मुद्दों पे वोट दिया जाएगा, जनता को विकास ही पसंद है और हम भी उसी में आते हैं। हमको विकास काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और माननीय मोदी जी के समय में हमारे भारत का विकास हुआ है, विश्व मंच पर हमारा भारत प्रखर हुआ है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। आपको लग रहा है कि गोरखपुर में विकास हुआ? हाँ, कुछ हद तक हुआ है। हमारा खाद कारखाना जो बहुत दिन से बंद पड़ा था वो चालू हुआ है, पिपराइज की शुगर मिलें चालू हुई हैं, इसके बाद और भी चीज़ें हैं, एम्स जैसा बड़ा आई जो है हॉस्पिटल यहाँ खुल रहा है, तो ये सब विकास के ही तो दो तक हैं। देखा है मैंने कि पूर्वांचल में जातीय मुद्दे ज़्यादा, जातीयता ज़्यादा हावी है, तो क्या जातीयता अब की बार भी हावी रहे? नहीं, हमारे हिसाब से राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है और राष्ट्र ही सबसे ऊपर के नाते जातीयता का कोई महत्व नहीं है। विकास के कार्य को जनता जानना चाहती है, देखती है, पकड़ती है और उसी के ऊपर चलती है। सड़कें भी अच्छी हुई हैं, जनता को कोई थाली में पर उसके भोजन नहीं देता है, उसको केवल विकास चाहिए जो कि हो रहा है। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? वर्तमान परिवेश में केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, विकास से कार्य भी खूब हुए हैं। केंद्र स्तर पर जो है विदेशों में जो है भारत का नाम बड़ा है, रक्षा नीति यहाँ की वर्तमान सरकार ने बहुत ये किया है, सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, सारी दिशाओं में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और वर्तमान जिला गोरखपुर में जो है तो विकास की गंगा बह रही है, यहाँ पर खाद कारखाना, एम्स अस्पताल, पिपराई चीनी मिल, सारी सड़कें, सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन सारे विकास और मुद्दों को देखते हुए गोरखपुर की जनता एक बार पुनः जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताने के लिए मन बना चुकी है। कहीं ना कहीं मोदी बनाम विरोधी हो गया, भाजपा बनाम विरोध नहीं है लेकिन मोदी बनाम विरोध हो गया है, तो क्या मोदी सरकार को देख के वोट देंगे? हम तो मोदी को देख के वोट देंगे, जो विकास हो रहे हैं चाहे देश पे हो चाहे राज्य में हो, टोटल विकास पे हम लोग देंगे, कोई जाति पात नहीं है, भाजपा सरकार। हमें एक बाहर से कैंडिडेट उतारा गया है तो क्या आप उनको देख के वोट देंगे या मोदी सरकार को? मोदी सरकार को। विकास किया है? एकदम किया है, 100% विकास किया है। तो कह रहे हैं कि अब विरोधी कुछ भी कहें, काम तो दिखाई दे रहा है। पिपराइज गोरखपुर से जो सड़क जाती है 5 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी, इस समय 20 मिनट में हम लोग आ जाते हैं पिपराइज से गोरखपुर, मोदी सरकार की ही देन है। अब विरोधी थोड़े बनवाए हैं, यही बात है। विकास के मुद्दे हावी हैं और लोग मान भी रहे हैं कि विकास हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने के? हमारे वक्ताओं की समस्या और तमाम सारी समस्या है जिसपे
सरकार गोरखपुर में है, यूपी में है, क्या आपको लगता है कि गोरखपुर में विकास हुआ है? हम तो देखिए अधिवक्ता हैं, हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में कई ऐसी सीट है, अधिकारियों के सीट है खाली जा रही हैं। विकास की बात तो मान रहे हैं लेकिन असंतुष्ट भी हैं अधिकारियों के काम से, सर क्या मुद्दे होंगे? वोट देने का विकास है तो आपको लग रहा है कि विकास हुआ है गोरखपुर? गोरखपुर में विकास तो वही पुराना वाला ही है, उसी को जो है लोग नए तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जो है आगे कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अभी जैसे फर्टिलाइजर है और एम्स है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो पुराना, फर्टिलाइजर तो मान लीजिए पुराना मामला, एम्स तो पुराना नहीं था, नया मामला, इसके लिए तो हम विकास का तो बात करेंगे। अभी क्या चाहते हैं, किस तरीके का आप विकास चाहते हैं, आप अपने अपनी तरफ से बताएं। विकास मैं यह चाहता हूं कि शिक्षा जो है, शिक्षा सही होनी चाहिए, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर बच्चे को शिक्षा का सही अधिकार होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को पढ़ाई की जो शिक्षा है वो निम्न स्तर की है, जितना भी लोग गोद लिए हुए हैं कॉलेजों को, प्राइमरी स्कूलों को, उसकी व्यवस्था आप खुद जाके देख लीजिए, प्राइमरी के टीचर क्या करते हैं, उनके बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हीं के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और कॉन्वेंट का फीस इतना ज़्यादा है कि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, और जो सीटें गरीबों के बच्चे के लिए आती है, जो बेरोजगार होते हैं, उन्हीं के सीटों पर बाकी लोग भर्ती हो जाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देती है सरकार। सरकार प्रेजेंट टाइम में थोड़ा शिक्षा को तो सुचारू रूप से सही किया है, जैसे जो है सेशन जो है सही समय पे हो गया है, एडमिशनें सही समय पे हो गई हैं, इससे थोड़ा विकास तो दिख रहा है, लेकिन जो शिक्षा का बाकी जो मापदंड है यह सही नहीं है। इस तरह से जो बच्चा पढ़ेगा तो बेरोजगारी खुद ही दूर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि शिक्षा अच्छी तो हुई है लेकिन उसमें सुधार की जरूरत होगी, क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने के? देखिए, यह लोकसभा का चुनाव है, यह विधानसभा अथवा पार्षदों का चुनाव नहीं है। लोकसभा का मतलब है कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत का चुनाव, देश की पंचायत का जब चुनाव होता है तो देश को, देश हित को ध्यान में रखकर के निर्णय लिए जाते हैं, और देश हमें आज लगता है कि अच्छी परिस्थितियों में है, अच्छा अच्छी तरह से देश का विकास भी है और देश गौरवान्वित हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिन हाथों में आज देश है उन हाथों को वापस उन्हीं हाथों में देश को सौंपा जाए। तो आज हमने प्रबुद्ध वर्ग से बात की और कहीं ना कहीं 80% लोग सरकार के काम से संतुष्ट दिखे, बाकी कमियां तो हर जगह रहती हैं। चुनाव के मामले में आगे भी और लोगों से प्रतिक्रिया जानते रहेंगे। बोले तो गोरखपुर में आज इतना ही, रूपेश कैमरामैन रूपेश के साथ बैजू गुप्ता, सिटी वन के लिए।